हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू टू. ओके, सो टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ द वेल इक्विपमेंट. ओके, वेल में जो जो इक्विपमेंट लगेंगे, किसके लिए बात कर रहे हैं? अब हम प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं. तो अब तक हमने प्रोसेस देखा था, सिंपल सा जो प्रोसेस था, जिसमें हमने देखा था कि मान लो आप यहाँ से ड्रिलिंग कर रहे हो. ठीक है, तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले अपनी कंडक्टर पाइप था. ठीक है, ये था अपना कंडक्टर पाइप. ठीक है, ये क्या है? अपनी कंडक्टर पाइप है, या फिर कंडक्टर केसिंग है, या स्टीव पाइप है, जो भी बोलो आप. ठीक है, सारे इसके नाम होते थे. इसको इनिशियली हम ऐसे ही क्या करते थे, यहाँ से क्या लेते थे, एक हैमर लेते थे, यानी कि हथौड़ा लेते थे, और इसको यहाँ पे गाड़ देते थे. ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ से. ठीक है, ओनली फोर्स इनिशियल पर्पस, ताकि ये वाला जोन अपना क्या हो, सेफ रहे. उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद आगे ड्रिलिंग करते थे. तो पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे बीओपी होगा. ठीक है, इनिशियली यहाँ पे ब्लोआउट प्रिवेंटर रहेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इसके अंदर कौन कौन सी तीन असेंबली होती है, रैम होती है, या फिर एन्युलर टाइप का होता है. रैम में भी तीन टाइप की होती है, बेस्ड ऑन द प्रेशर. ठीक है, जो इस जो बीओपी को प्रेशर उसको बियर करना है, बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट असेंबली वहाँ पे होगी. ठीक है, कई बार सारी प्रेजेंट होगी, कई बार कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होगी. ठीक है, उसका चार्ट आप रिफर कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट कि वहाँ से उतना रटने वाली चीज़ हमको गेट में आएगा. सो मैंने आपको नहीं बताया, बट बेस्ड ऑन द प्रेशर रेटिंग क्या होता है, वहाँ पे बीओपी का यूज़ होता है. नेक्स्ट चीज़, ये कंडक्टर पाइप ओनली एंड ओनली सपोर्ट के लिए है, तो बीओपी को ओनली सपोर्ट करती है. ठीक है, बीओपी को इनिशियली इस पर सेट नहीं किया जाता, बस ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और अगर हमारा शेलो डेप्थ था, तो उस टाइम पे डाइवर्टर सिस्टम वहाँ पे लगा रहता था. ठीक है, जो डाइवर्जन प्रोवाइड करता था. ठीक है, जो की का है तो उसको डाइवर्जन प्रोवाइड करता था, वो हम देखेंगे. ठीक है, लास्ट में देख लेंगे एक बार कहीं पे इक्विपमेंट में ही, बट अभी के लिए मान के चलो अभी क्या लगा होगा, बीओपी. फिर आपने क्या किया, आपने फर्दर ड्रिल किया, आपने क्या किया, फर्दर ड्रिल किया. मान लो यहाँ तक का आपने फिर ड्रिल किया. ठीक है, अब क्या करोगे, नई केसिंग सेट करनी है. ठीक है, नई केसिंग सेट करनी है, तो व्हाट यू विल डू, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपली यहाँ का प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये वाले जोन से ज़्यादा रखोगे, ये पाइप को पुल कर लोगे, पाइप को यू विल रिमूव द पाइप. उसके बाद क्या होगा, ये वाली बीओपी को कुछ टाइम के लिए क्या करोगे, यू हैव टू रिमूव ना, बीओपी आप रिमूव करोगे. उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक असेंबली को सेट करवाओगे. ठीक है, वो असेंबली होगी जिसे मैं नाम दे रहा हूँ केसिंग पुल. ठीक है, क्या मैं दे रहा हूँ, केसिंग पुल. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, केसिंग स्पूल नहीं, अभी के लिए मान लो केसिंग हेड है. ठीक है, इसे केसिंग हेड कहते हैं. ठीक है, मान लो केसिंग का मुखड़ा, यानी कि केसिंग हेड को मैं इंस्टॉल करूँगा, दिस इज फॉर दी सरफेस केसिंग. ओके, फर्स्ट जो केसिंग हेड होगा फॉर दी सरफेस केसिंग. ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप 3D में देखना चाहो तो ये हो गया 3D. उसके बाद क्या होगा, इसमें से अपनी सरफेस केसिंग, मान लो पाइप ही होती है एक. ठीक है, इस तरह से सर्क्यूलर ये शेप है, तो इसमें से इस तरह से क्या हो जाएगा, हम अपनी सरफेस केसिंग को सेट कर देंगे. ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर हो गया ड्राइंग में, चलेगा? ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, आप क्या बोलोगे. ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर क्या बाउंड कर देंगे, फिर से इसके ऊपर हम बीओपी को लागे छोड़ देंगे. ठीक है, रुको. ओके, तो कहाँ थे हम, थोड़ी लिंक टूट गई, केसिंग हेड की बात कर रहे थे. ठीक है, तो अब क्या होगा, केसिंग हेड होगा, और यहाँ से मैंने सेट कर दी सरफेस केसिंग, और बाद में कहाँ पे लगाया, उस पर बीओपी को फिर से सेट कर दिया. फिर से अपनी ड्रिल पाइप होगी, वो क्या करेगी, फर्दर ड्रिल करना स्टार्ट करेगी, इसमें से कुछ इस तरह से. ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे,
फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब भी हमारी नेक्स्ट केसिंग इंस्टॉल होगी तो उस पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट केसिंग इंस्टॉल होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, दूसरा एक केसिंग का हेड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेकंड केसिंग का हेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर होता है, ठीक है। मैं अभी ड्राइंग इजी बनाने के लिए इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी ये सर्कुलर होता है वो तो हम अभी फिगर देखेंगे। फिर ये सेकंड, थर्ड एंड दी फोर्थ, फिर ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से बीओपी लग जाएगी अपनी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपनी बीओपी लग जाएगी। तो आपने देखा सब केसिंग के हेड आ गए, ठीक है। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, और उसके ऊपर क्या आ गया, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, चल जाएगा तीन से काम, तीन ही तो मेन केसिंग होती है भाई। और उसके ऊपर क्या है, बीओपी, ठीक है। कंडीशन वाइज ये चेंज होता रहता है, ओके। तो जब भी हमारा ड्रिलिंग, हम अपनी डिजायर डेप्थ तक पहुँच चुके हैं, मान लो यहाँ पे और भी केसिंग अब लग चुकी है और हम डिजायर डेप्थ पे पहुँच चुके हैं, जब भी डिजायर डेप्थ पे हम पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी ड्रिल पाइप को हमने रिमूव कर लिया है और इसमें क्या कर दिया है, पी हाइड्रो, जो क्या है, ग्रेटर देन पी रिजर्वायर प्रेशर है, ऐसा मड हमने फिल कर दिया है, ताकि क्या हो, हमारा वेल क्या हो, शट इन हो, ठीक है। अभी हमने सोचा कि अब हम प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट ये केसिंग हेड क्या होता है और उसका यूज़ क्या है, उसके फंक्शन क्या है और दिखता कैसा है, मेन चीज़, ठीक है। तो ये वाला याद रखो, ये फर्स्ट वन में इसे बोल दूंगा जो कहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे लास्ट वन में लगा है। सो केसिंग वेल हेड के फंक्शन देखते हैं, चलो। वेल हेड इसे क्या बोलूँगा, ये पूरी असेंबली जो है, ठीक है, ये इतनी पूरी असेंबली है, इंक्लूडिंग बीओपी इज दी वेल हेड, ठीक है। तो बीओपी का फंक्शन था वो भी वेल हेड का होगा, ऑब्वियसली। तो वेल हेड जो हम लगाते हैं, ये वेल हेड जो हम लगाते हैं, ये एक टाइप का इक्विपमेंट है जो हमारे सब सरफेस पे लगा रहता है। क्या होता है, सरफेस पे हमारे लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेल हेड कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये क्या काम करता है, देखो, फर्स्ट काम ये करेगा कि यहाँ पे जो बीओपी है, ठीक है, बीओपी है, ठीक है, वो बीओपी क्या करती है, वेल को कंट्रोल करवाती है, करवाती है कि नहीं करवाती है, अनडिजायरेबल फ्लो को क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। दैट मीन्स वेल कंट्रोल इसका काम हुआ। फिर वेल की स्टेबिलिटी, ठीक है, हमें स्टेबिलिटी देखना है। तो हमने क्या लगाया हुआ है, केसिंग हेड भी लगाया हुआ है। केसिंग हेड क्या है, वेल हेड का ही तो एक पार्ट है, ऑब्वियसली वेल हेड का ही तो एक पार्ट है, ठीक है। केसिंग हेड लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना था, हमारी केसिंग को हैंग करना था। तो केसिंग क्या होगी, केसिंग किस में, केसिंग हेड में फिट होगी, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पे, ये तो कंडक्टर पाइप था, ठीक है, इसका तो उतना यूज़ नहीं था, सिंपली ये जस्ट इनिशियली बीओपी को सपोर्ट करने के लिए रख दी। बट क्या हम ये वाली सरफेस केसिंग है, ये वाली जो आपका लवेंडर कलर है, वो वाली केसिंग को क्या यहाँ से ऐसे ही छोड़ दे, नहीं, ये तो गिर भी सकती है, ठीक है, गिर भी सकती है, ऑब्वियसली सी बात है भाई, वो तो जैसे उस पे फोर्स बैलेंस होगा उस हिसाब से वो एक्ट करेगी। तो बेसिक क्या आपको याद रखना है, ये यहाँ से फिक्स होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई असेंबली होगी जो इसको यहाँ से सस्पेंड करवाएंगी, क्या बोलते हैं उसको, टर्म है ये, इसको सस्पेंड करवाएगी, ठीक है। आपने भी सस्पेंड किया होगा हाइट बढ़ाने के लिए, आई एम अ कॉम्प्लेंट बॉय, ओके, उस तरह से सिमिलर वे में क्या होगा, सस्पेंड करवाएंगी, ठीक है। आप जैसे हैंग करते हो तो आपके हाथ होते हैं वो आपके पाइप पे होते हैं, पुलअप्स लगाते हो तभी भी, ठीक है। सो वैसे ही ये क्या करेगा, हैंग करवाएगा, बट यहाँ से क्या किया हुआ है, इसको अटैच कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसको अटैच कर दिया होगा। सिंपली थ्रेड भी लगा सकते हो या फिर सीलिंग एलिमेंट लगा के थ्रेड भी लगा सकते हो, वो हम देखते हैं। बट ये केसिंग को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली। स्टेबिलिटी वेल को कैसे प्रोवाइड करता है, केसिंग लगाई वो क्या करती है, वेल को स्टेबिलाइज करती है, ऑब्वियसली। केसिंग के बहुत सारे फंक्शन थे बेस्ड ऑन दैट वेल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे केसिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने केसिंग लगा दी, ओके, यहाँ पे जो केसिंग है और यहाँ पे आप ये वाला होगा, वो जो लास्ट होगा,
लास्ट हेड होगा उसके ऊपर अब बीओपी आ जाएगी। दैट मीन्स बीओपी को भी ये क्या करवाता है, सपोर्ट करवाता है। सेकंड चीज़, ठीक है, ये सारे कंट्रोल दी फ्लो, ठीक है, बेकार की चीज़ें हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे भी बोलनी हो तो काम आ जाए। कंट्रोल दी फ्लो टू सरफेस फैसिलिटी। अब सरफेस फैसिलिटी मीन्स जो सरफेस पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसकी बात कर रहा है, वहाँ पे कंट्रोल मैनर में फ्लो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वहाँ पे चौक होगा, ठीक है। अब तो अभी हमने क्रिसमस ट्री होगा, ठीक है, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन ले रहे होंगे तब बीओपी अटैक के हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। हम जब भी, अब यहाँ पे हमने अभी तो क्या किया है, वेल को सेट इन करके रखा हुआ है, बट जब भी हमें क्या करना होगा, वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम ये वाली बीओपी को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी अपनी क्रिसमस ट्री, ठीक है। मैं अभी चौरस बॉक्स से ही आपको ये क्या हो जाएगा, क्रिसमस ट्री आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री इज़ नथिंग बट असेंबली ऑफ द वाल, तो वो क्या करवाती है, फ्लो को कंट्रोल करवाती है। सेकंड इज़ द कंट्रोल द प्रेशर, ठीक है, फ्लो कंट्रोल होगा तो प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से ही तो फ्लो हो रहा है भाई। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द वेल हेड। इसमें कुछ उतना है नहीं रॉकेट साइंस जितना आपको वॉल ऑफ द अबो ऐसे पूछ ले तो ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे गेट में, उतना ईजी भी नहीं है गेट, ठीक है, जितना आपको लगता है। अब आगे बात करते हैं, लेट स्टार्ट विद द केसिंग हेड। ओके, तो देखो अब बात करते हैं केसिड हेड की। ओके, अब बात करते हैं केसिंग हेड की। केसिंग हेड क्या है, केसिंग हेड आप देखो ये वाली सरफेस है, ठीक है, ये वाला अपना क्या है, ये इस तरह से अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वाला प्लेटफॉर्म है और यहाँ से केसिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से केसिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं उसका क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब भी पूरी असेंबली सेट है तो सबसे लोवेस्ट पार्ट क्या है, ये वाला केसिंग हेड ही तो है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि केसिंग हेड इज द लोवेस्ट पार्ट इन वेल हेड। जब पूरी असेंबली सेट है तो ये वाला सबसे लोवेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं केसिंग हेड दिखता कैसा है। तो अब देखो, अब मैं ये थोड़ी देर के लिए लाइन हटा दूँ, फिर से ड्रॉ कर लूँगा। तो देखो ये इस तरह से, आपको दिख रहा है 3D फिगर ऑब्वियसली। तो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाला अभी टैबलेट है तो बुक जैसा ड्राइंग तो नहीं होगा और इसकी फिगर हम ढूंढने नहीं जाएंगे, कुछ इस तरह से है। अब देखो ये इस तरह से अटैच है, मैंने थोड़ा अटैच नहीं करवाया है, क्यों, क्योंकि आपको, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, उसी की वजह से। तो ये इस तरह का एक बाउल है और मान लो ये मैं लास्ट वाला केसिंग हेड की बात कर रहा हूँ, किसकी, लास्ट वाले केसिंग हेड की। तो इसमें से इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा और ये वाला में इनर साइड आपको कुछ इस तरह से होगा। तो आपका केसिंग कहाँ पे सेट होगा, आपका केसिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके ये वॉल है जो ऊपर से आप देख रहे हो, ठीक है, ये वॉल है पूरा, इसके इनसाइड ये मैंने थ्रेड बना दिए, थोड़े मोटे थ्रेड टाइप का बना दिया, वहाँ पे और एक असेंबली होगी, उसके बाद उसके इनसाइड केसिंग फिट होगा। तो देखो अब क्या होगा, इसको मुझे सरफेस पे क्या करना है, ये लास्ट केसिंग हेड है तो इसको मुझे सरफेस पे माउंट करवाना होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ मैं माउंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मान लो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मुझे सेट करना है तो यहाँ पे बेस प्लेट लगा दूँगा। बेस प्लेट कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, केसिंग को ये वाला हवा में थोड़ी ना लटकेगा भाई, उसको अपने सरफेस पे, यानी कि मान लो ये कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, तो ये वाले प्लेटफॉर्म पे इसको क्या करना है, स्क्रूवड अप कर देना है। तो ये क्या है, अपनी बेस प्लेट है, व्हाट इज दिस, अपनी
बेस प्लेट है, दैट मीन्स ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, तो ये वाली जो बेस प्लेट है, दैट मीन्स क्या होगा, इसका एक लेग तो होगा, ठीक है। आप चलते हो, आप पूरा शरीर लेके चलते हो, तो आपके लेग होते हैं, ठीक है। आपके लेग को मैं क्या करूँ, आपके लेग पे मैं खिला ठोस दूँ, ठीक है। क्या कर दूँ, यहाँ पे एक खिला लगा दूँ, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके छत पे जाओ और वहाँ पे आपकी टाटा स्काई की डिश लगी होगी, उसको देख लो, ठीक है। ये कैमरा हो गया, इसको आपने किस तरह से, यहाँ पे देखो, इस तरह से स्क्रू लगाया होगा, ठीक है। इस तरह से स्क्रू लगाया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़िया सा स्क्रू होगा, वैसा ही इसमें होता है। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ठीक है। प्रोडक्शन है तो कोई थोड़ी ना नया रॉकेट साइंस है, सेट तो ऐसे ही करेंगे ऑब्वियसली, कोई और थोड़ी ना होगा, उसको हवा में छोड़ देंगे, एलियंस आएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, ठीक है, सबका बदला लेगा ये अपना एलियंस, ठीक है, ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्रूड अप किया होगा, बट ये जो होगा वो वेरी स्ट्रांग होगा और हो सके उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो गए, वो तो आपको फील्ड पे जाके देखना होगा, ठीक है। अच्छा खासा ये गाड़ दिया होगा, बहुत इनसाइड तक गाड़ दिया होगा, क्यों, क्योंकि ये तो अपनी सरफेस है, ठीक है। जब डिश लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, अपना टेरेस होता है, मोस्टली मोस्टली क्या होता ही है, और यहाँ पे तो सरफेस है, तो यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा खासा काट सकते हो, ठीक है। तो बेस प्लेट से ये क्या होता है, वहाँ पे सेट होता है। अब जो ये वाली असेंबली है, ठीक है, केसिंग हेड है, उसमें और एक चीज़ होती है, ये वाला बाउल देख सकते हो, ठीक है। इसे मैं बोल रहा हूँ बाउल, क्या है ये, बाउल है। और बाउल पे यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो क्या करे, बोल्ट को क्या करे, अपने इनसाइड जाने दे, ठीक है। ये वाले होल है, ठीक है, होल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली होल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे मान लो और एक केसिंग आपको लगानी हुई, ठीक है, इसके ऊपर और एक हेड लगाना है, ठीक है, तो वो हेड भी तो थोड़ी ना हवा में होगा, तो क्या होगा, उसका भी एक तरह से इस तरह का बाउल होगा, ठीक है, उसका भी तो एक बाउल होगा इस तरह से, सॉरी थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया, उसका भी तो एक इस तरह से बाउल होगा, चलो जैसा भी है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और इसके बॉटम पे, इसके ऊपर भी होल हो गए, बट इसके बॉटम में क्या हो गए, इस तरह से हमने खिले लगा के रखे हो गए, क्या हो गए, खिले लगा के रखे होगे, ठीक है, इस तरह से खिले लगा के रखे होगे, वो क्या करेंगे, ये होल में आके फिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, सिंपल सा यार। कनेक्शन बनाना है तो कुछ तो वहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें एक बाउल रहता है, बाउल में क्या होता है, बाउल किस, बाउल का फंक्शन क्या है, वो नेक्स्ट केसिंग हेड को अपने पे सेटल होने देता है, और कनेक्शन तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फेविकिक तो नहीं लगा देंगे ना भाई, यहाँ पे फेविकिंग, ठीक है, मजबूती का जोड़, पानी में भी चलता है भाई, क्रूड ऑयल पे चलता है, नहीं चलता भाई, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट, ठीक है। ये मैकेनिकल के आस्पेक्ट है इसको डिज़ाइन करना, बट हमें थोड़ा मोड़ तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमने रियल जाके देखा है नहीं देखा है वो अलग चीज़ है, बट पता तो होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़े मोटे होल है, उसके अंदर वो ये सारे पिन है, ठीक है, आपने पिन कनेक्शन देखा होगा कि उसमें फिट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ के ऊपर दूसरा एक हेड हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो हमने तीन चीज़ें देखी कि केसिंग हेड था, उसमें एक केसिंग स्पूल रहता है, ठीक है, उसमें क्या है, केसिंग स्पूल है, जिसमें क्या है, केसिंग स्पूल में अपर साइड पे बाउल होता है, और ये लास्ट वाला था, तो लास्ट में क्या होती है, बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट का फंक्शन था ये, इसको प्लेटफॉर्म पे अटैच करवाएगा, यहाँ पे स्क्रूड अप किया होगा, और सिमिलरली बाउल क्या करेगा, अपने ऊपर वाले केसिंग हेड को अपने पे सेटल होने को अलाउ करेगा, ओके। तो इतना आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो सरफेस केसिंग के लिए ये हेड है, ठीक है, लास्ट वाला किसके लिए बोला था, सरफेस केसिंग के लिए। तो ये अपना लोड कहाँ पे डाल देगा, पूरा का पूरा कंडक्टर पाइप पे अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। फिर एक बार सरफेस केसिंग लग जाए, फिर कंडक्टर पाइप का उतना फंक्शन भी नहीं बचता है, ठीक है।
ओके, अब आगे बात बोलूं कि आपने ये वाला एक स्पूल सेट किया, ठीक है, ये अब मैं रटा दे रहा हूँ। आपने एक स्पूल सेट किया केसिंग का, जो अपना हेड था इस तरह से अच्छा खासा। चलो अब ड्राइंग में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे भी बढ़ना है हमें, तो ये इस तरह से एक स्पूल था, उसके ऊपर दूसरा स्पूल आ जाएगा कुछ इस तरह से। अलग कलर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से दो स्पूल मैंने ड्रॉ किए हैं। चलो ये ऊपर वाला है, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके इनसाइड क्या होगा, जो नीचे वाला है उसके इनसाइड भी इस तरह से थ्रेड है जहाँ पे केसिंग आ जाएगा, और ये ऊपर वाला है उसके इनसाइड भी थ्रेड है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, ज़्यादा ड्राइंग में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको भी एक चीज़ ये बताने वाला हूँ कि जब इसमें से केसिंग होगा, मान लो आपने इसमें से किस तरह से केसिंग लगाया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शनली आपको दिखा रहा हूँ, और ये वाला का डाया थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पे डाया छोटा है और यहाँ से मैंने दूसरा केसिंग लगा के रखा है। ओके, तो अब मैं बताने ये वाला हूँ कि मान लो ये वाला जो एन्यूलस है, ठीक है, यहाँ पे हमें सीमेंटिंग करना होता है, और सीमेंटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पे ये वाले, ये जब भी हम यहाँ से सीमेंटिंग लगाएंगे, ठीक है, तो ये वाला एन्यूलस को हमें एसएस होना चाहिए। हमारे पास ये एन्यूलस का क्या होना चाहिए, एसएस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप बदलो। तो ये एन्यूलस को लगाने के लिए ये वाले केसिंग में क्या हो गए, साइड आउटलेट हो गए। साइड आउटलेट मीन्स, साइड आउटलेट क्या करेगा कि ये वाली जो एन्यूलस है, ठीक है, ये वाला जो एन्यूलस है, जो गैप होगा, जो हमें यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, जो हमें यूज़ करना पड़ रहा है किस टाइम पे, ये एन्यूलस को सीमेंटिंग करने के लिए, तो उसके लिए उसमें साइड आउटलेट होते हैं। हर एक केसिंग हेड में ऐसे साइड आउटलेट हो गए, जो ये वाले एन्यूलस को, ठीक है, इसको तो आपने सीमेंटिंग कर दिया होगा, बट ये वाले एन्यूलस से जो फ्लूड आएगा उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसा वाल जैसा फिट होगा जो इसको फ्लूड को साइड एंड आउटलेट से उसको हेल्प कर रहा होगा। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, अब इसमें केसिंग कैसे सेट होता है, ठीक है, तो ये था अपना बाउल, ठीक है, हमने देखा अपना बाउल देखा, ठीक है, इस तरह से अपने बाउल देखा, ठीक है, बाउल देखा जो नेक्स्ट को आने के लिए दे रहा था, और ये कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एक केसिंग स्पूल है, ठीक है, ये बड़ा वाला है उसको मैं बोल रहा हूँ केसिंग स्पूल। तो इसके इनसाइड क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली केसिंग इसमें सेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसके पहले केसिंग को जो हैंग करेगा एक्चुअली, ठीक है, जिसका इनसाइड डाया क्या होगा, केसिंग के आउटसाइड डाया जितना होगा, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो इसके इनसाइड भी क्या होगा, एक असेंबली होगी, मान लो ऐसी कुछ असेंबली होगी, ओके, ये मैंने जो इनसाइड ड्रॉ किया है दैट इज द नसिंग, बट इसको ही मैं क्या बोलूँगा, केसिंग हैंगर बोलूँगा, क्या बोलूँगा, हैंगर, ठीक है, ये मैं क्या बोलूँगा, केसिंग हैंगर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अब इसको डार्क कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ओके, ये इसके इनसाइड मैंने क्या डाल दिया होगा, केसिंग हैंगर डाल दिया होगा, क्या डाल दिया होगा, केसिंग हैंगर डाल दिया होगा, ठीक है, ये इस तरह से है कुछ अपना केसिंग हैंगर, ओके, ये केसिंग हैंगर है, बहुत अच्छी फिगर बन गई भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छी बन गई है। तो अब मैं थोड़ा और डार्क करूँगा, ऐसा नहीं है मुझे मज़ा आ रहा है ये मैं, ठीक है, बट शांति से बढ़ते हैं, क्यों आपको जल्दबाजी करवाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से केसिंग हैंगर डाल दूंगा, और फिर इस ये केसिंग हैंगर होगा, ठीक है, ये केसिंग हैंगर होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ सील लगाना होगा, क्यों सील क्यों लगाना होगा, वरना ये यहाँ से एन्यूली बना देगा, माइक्रो एन्यूली जैसे बनते हैं वैसे यहाँ पे फ्लूड के लिए गैप बन सकता है, वहाँ से फ्लूड लीकेज भी तो हो सकता है, ठीक है। तो मुझे केसिंग हैंगर और केसिंग स्पूल के बीच में
गैप ना रहे उसके लिए वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ सील असेंबली लगानी होगी, और ये सिंपली थ्रेड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर छोटा बाउल डाल दिया, और क्या बताऊँ भाई, ये सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरह से हम केसिंग हैंगर को भी सेट करेंगे, और उसके इनसाइड से, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, अपनी केसिंग आ जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से निकलेगी और सरफेस पे जाएगी, ठीक है, ये अपनी केसिंग आ गई, ठीक है, इस तरह से अपनी केसिंग आ जाएगी, ठीक है। आप देखो 3D फिगर देखो, अब ये इस तरह से अपनी केसिंग आ जाएगी, इस तरह से अपनी केसिंग आ जाएगी, ओके। आप देख सकते हो ये अपनी केसिंग है, ट्यूबुलर होती है वो तो आपको भी पता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से अपनी केसिंग आ जाएगी। सो ऐसे हम सेट करवाते हैं, ओके, ऐसे हम सेट करवाते हैं अपने केसिंग को, ठीक है। अब ये नहीं हिल पाएगी, ठीक है, ये पूरी की पूरी सीलिंग असेंबली के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपली थ्रेड कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी मुझे सीलिंग एलिमेंट से इसको पूरा सील करना होगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीलिंग एलिमेंट रहेगा। तो ये जो सील होता है वो कुछ नहीं होता, आपको आगे भी बताया है, सिंपली इलास्टिक मटेरियल होता है, जैसे आप कुकर के ढक्कन को फिट करवाते हो, आगे भी फिगर ड्रॉ करके बताया था, आप अपने कुकर को फिट करते हो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिंग डालते हो, ठीक है, लड़कियों को भी पता है, लड़कों को भी पता है, एक रिंग डाल देते हो, ताकि क्या हो, जो अपनी वेपर जनरेट हो रही है, जो हीट प्रोवाइड करती है अपने खाना पकाने को, वो यहाँ से बाहर ना निकल जाए। अगर बाहर निकल जाएगा तो वेपर अक्यूमुलेटी नहीं होगा, तो खाना जल्दी कैसे पकेगा। कुकर का यूज़ क्यों करते हैं पहले ये पता है, तपेली नहीं यूज़ करके कुकर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हम हीट को ज़्यादा स्टोर करवाते हैं ऊपर से क्लोज दे के, ठीक है। आप तपेली पे डिश रख दो तो भी हो सकता है, बट उसमें से क्या होता है, लीकेज होता है। कुकर में हम ये वाली रिंग डाल देते हैं ताकि वेपर बाहर ना निकले, वेपर अक्यूमुलेट हो, बट वो उतनी भी अक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए कि कुकर के ढक्कन को ही उठा दे, ठीक है। आपने सुना होगा कुकर फट गया, वो सिंपली वही तो है, वेपर इतनी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया और उसकी वजह से ढक्कन उठ गया। ऐसा कब होता है, तब होता है जब सीटी काम ना कर रही हो, ठीक है। अगर सीटी काम कर रही है तो सीटी उठ जाएगी और वेपर को रिमूव कर देगी, जब एग्जर्ट प्रेशर यानी कि ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। सिमिलर वे पे हम यहाँ पे सील कर देंगे, सीलिंग एलिमेंट कुछ नहीं होता, रबर मटेरियल या फिर इलास्टिक मटेरियल कोई भी है, टेफ्लॉन वेफ्लॉन, उसका सील कर देते हैं, ठीक है। तो ये था अपना केसिंग स्पूल एज वेल एज दी केसिंग हैंगर को हमने देखा, हमने क्या क्या देखा, केसिंग स्पूल एज वेल एज दी केसिंग हैंगर को। अब इसके छोटे मोटे एडवांटेजेस हो गए, ऑब्वियसली इसके ऊपर और एक होगा, उसके ऊपर और एक होगा, ओके, तो उसी तरह से सीलिंग एलिमेंट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका फंक्शन की मैं अगर बात करूं, तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, अब आप हैंगर की बात करो या स्पूल की बात करो, इक्वली फंक्शन हो गए। तो वो फंक्शन की बात करूँ तो ये सरफेस पे जो केसिंग है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो केसिंग होगा, ठीक है, उसको आउटसाइड के एनवायरनमेंट से, ठीक है, आउटसाइड के एनवायरनमेंट से क्या करवा रहा है, सील करवा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इज दी आइसोलेट दी सरफेस केसिंग, आइसोलेट दी सरफेस केसिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ दी एनवायरनमेंट। सेकंड चीज अगर बात करूं, BOP को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या फिर क्रिसमस ट्री को, ठीक है, BOP या फिर क्रिसमस ट्री को, ओके। थर्ड वन इज दी ये वेट को ट्रांसफ़र कर देता है, दैट मींस कि मान लो अगर ये हेड नहीं होता, ये वाला जो हेड है यानी कि पूरा केसिंग स्पूल एंड केसिंग हैंगर नहीं होता, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, उस टाइम पे सारा लोड हमारी केसिंग पे चला जाता, ओके। ये उसको हैंग करके रखता है, उसका मीनिंग कि इसका लोड क्या है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना कि पूरा लोड सरफेस पे केसिंग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। दैट मीन्स ये वाला स्पूल क्या काम करता है, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्या करता है, वेट को ट्रांसफ़र करता है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, ठीक है,
स्ट्रेट वेल बनेगा इससे, ऑब्वियसली बात है, केसिंग डालेंगे तो वेल को स्ट्रेट रखेगा, और यहाँ से जो इक्विपमेंट एंटर हो गए, ठीक है, वो ड्रिलिंग पाइप और वो सब भी इसकी इनसाइड ही जाने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई कैन से अच्छा खासा स्ट्रेट वेल मिलेगा। सेकंड चीज़, बीओपी इसके ऊपर कब तक माउंटेन रहेगी, जब तक नई डेप्थ ना रीच हो जाए, ठीक है, नया केसिंग सेट करना ना हो जाए। तो ये था अपना कुछ सिंपल सी बातें। अब एक दो टर्मिनोलॉजी है कि जो हमने देखा, ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो ये वाला जो बाउल था, ठीक है, इसे मैंने बाउल बोला था, जो ऊपर वाले केसिंग को क्या करवा रहा था, सेट करवा रहा था। तो ये वाला कनेक्शन, ये बाउल का कनेक्शन जो नया केसिंग हेड आएगा उसके साथ, उसको नाम दे के रखा है सेकेंडरी सील। ओके, यहाँ पे नया केसिंग आएगा और ये प्रीवियस वाला केसिंग का बाउल है, तो वो दोनों बाउल यहाँ पे जो सेट हो रहे होंगे, उसमें जो आपको पिन होगी वो इस वाले होल में सेट हो रही होगी, वो ये वाला प्राइमरी कनेक्शन है। और ये वाला केसिंग हैंगर जो अपनी पाइप को अटैच करवाता है, ये जो हैंगर के साथ कनेक्शन है उसको उन्होंने बोल दिया है प्राइमरी कनेक्शन। तो ये उतना आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए है। ओके, और ये वाली असेंबली को ही हम जॉइंट असेंबली, ठीक है, जॉइंट असेंबली क्या है, जो दो दो लोगों को ज्वाइन करवाती है उसी को हम बोलेंगे जॉइंट असेंबली, ठीक है। तो ये हैंगर क्यों हमने डाला, अपनी पाइप का डायामीटर रीच करने के लिए, और पाइप को तो हैंग तो यही हैंगर ही करवाएगा। ओके, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसे ही डिज़ाइन होता है, ये ऐसे ही डिज़ाइन होता है कि ये हैंगर इससे गिर ना जाए, ठीक है। आपको लगेगा कि ये वाला हैंगर जो है, ये जो लवेंडर कलर वाला जो हैंगर है वो हवा में लटक रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इसको यहाँ से देखो, ये 3D फिगर आप जब भी देखो तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा कि ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा कुछ इस तरह से, ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएगा, ठीक है। अब वो आप उसके लिए आपको YouTube पे एनिमेशन मिले तो देखो, ठीक है, मैंने इसमें कोई लिंक नहीं डाला है क्योंकि ये इजीली अंडरस्टेबल है, ये इसको गिरने नहीं देगा, कुछ भी हो जाए हैंगर को हेड गिरने, सॉरी स्पूल हैंगर को गिरने नहीं देगा, वो अंदर उसको सेटल करवाएगा। और जब भी हमने हैंडल करवाया, ठीक है, ओके, जब भी मैंने इसमें क्या करवाया, हैंगर फिट किया, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एन्यूलस का प्रेशर था, ठीक है, केसिंग के एन्यूलस का जो प्रेशर था, ठीक है, केसिंग के एन्यूलस का प्रेशर होगा, दैट मीन्स मान लो ये स्पूल है और यहाँ पे वेल कुछ इस तरह से है, तो ये वाला एन्यूलस का जो प्रेशर होगा, चलो सैम्पली ब्लॉक से समझते, ये हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड है, इसके अंदर हैंग है और उसके साथ केसिंग की पाइप है, और यहाँ पे इस तरह का अगर होल है तो ये जो एन्यूलस है, एन्यूलस में कुछ फ्लूड है या नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर होगा एन्यूलस का ये वाली लाइन पे, ठीक है, जहाँ पे ये वाली सरफेस है, सरफेस से हम सब सरफेस की ओर जा रहे हैं, तो ये वाली लाइन पे क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो सारा वेट किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, अपने हेड पे, यानी कि केसिंग हेड और स्पूल पे और हैंगर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं करने देगा, ये इसको बर्स्ट नहीं करने देगा, ठीक है, क्या नहीं करने देगा, बर्स्ट से इसको बचा के रखेगा, ठीक है, कोलैप्स एंड बर्स्ट से बचा के रखेगा, ताकि ये वाला पूरा का पूरा जोन क्या हो जाए, आइसोलेट हो जाए, क्या हो जाए, आइसोलेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब भी बैक फ्लो आएगा, ठीक है, जब भी यहाँ से कीक आएगी और वो पाइप या केसिंग के इनसाइड चली जाएगी, उस टाइम पे हमने बर्स्ट प्रेशर निकाला था, हमने क्या निकाला था, बर्स्ट प्रेशर निकाला था, एंड वी हैव ऑब्जर्व कि बर्स्ट प्रेशर क्या होता था, डेप्थ के साथ लेस होता था, क्यों, डेप्थ के साथ इसीलिए लेस होता था क्योंकि जो इनसाइड वाला फ्लूड था उसका हाइड्रो क्या हो रहा था, ये टोटल वाली हाइट होगी जहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक सॉरी फॉर्मेशन प्रेशर होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, अब देखो फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला फॉर्मेशन प्रेशर था, तो फॉर्मेशन प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, जब भी वहाँ पे कीक आ रही थी, तो फॉर्मेशन प्रेशर माइनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ दी कीक, ऐसा कुछ बात करते थे, यस, हमने ये बर्स्ट प्रेशर के टाइम पे निकाला था। तो इससे मुझे पता चलता है कि ये वाली वैल्यू क्या होती थी, ये वाली वैल्यू जितनी
हाई होगी, ठीक है, जितनी हाई होगी उतना अपना इंटरनल प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये हाई होता था उतना अपना इंटरनल प्रेशर लो होता था, ऐसी कुछ अपने चीज़ समझ के रखी हुई है। और उस हिसाब से क्या होता था कि पी हाइड्रो जो किक का है उसे हमें हाई करवाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा मड होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा क्या मड होना चाहिए, ज़्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, मड की होनी चाहिए, ताकि क्या हो, यहाँ पे मड हो और यहाँ पे गैस हो, ठीक है। ये गैस की हाइट जितनी कम होगी, ये जितनी गैस की किक इसमें ज़्यादा होगी, गैस जितना ज़्यादा हो सॉरी कम होगा, गैस जितना इसके इनसाइड कम होगा, जितना मड ज़्यादा होगा उतना ये अपना पी हाइड्रो ऑफ दी किक प्लस मड दोनों का कॉम्बिनेशन था वो वैल्यू हाई रहेगी, क्योंकि मड हायर डेंस होता है किससे, गैस के मुकाबले, तो अपना इंटरनल प्रेशर उतना ही लो रहेगा। मान के चलता हूँ कि आउटसाइड पे ओनली हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट ही मेरा अचीव हो रहा है, ठीक। ऐसा कुछ होता था, यस ऐसा कुछ होता था। उस टाइम पे क्या लग रहा था, ये वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बर्स्ट प्रेशर होता था। क्यों क्यों होता था ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो पी हाइड्रो जीरो ही हो जाता था, ठीक है, पी हाइड्रो जीरो ही, क्योंकि जो है वो इनसाइड है, तो ये वाले पॉइंट को मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित करना होता है, तो वो हमारा ये केसिंग हेड एंड ट्यूबिंग हेड हमें हेल्प करता है। तो हमने क्या देखा अब तक, देखो अब तक की कहानी मैं आपको बता दूँ, ये बेसिक सी कहानी है कि जो हम अभी तो हमने अभी वेल को तैयार भी नहीं किया है, ठीक है, अभी तो हमने वेल को तैयार भी नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया सरफेस क्शन, पहले यहाँ पे बीओपी था और उसके साथ ही हमने सरफेस सॉरी कंडक्टर पाइप को लगा लिया था, कंडक्टर पाइप को यहाँ पे डाल दिया और उसके ऊपर बीओपी को सिंपली रखा था। फिर नई डेप्थ अचीव हुई तो फिर ये बीओपी को हटा दिया, यहाँ पे केसिंग हेड डाला, ये क्या है केसिंग हेड डाला, ठीक है, केसिंग हेड डाला, फिर उस पर बीओपी लगाया और ये जो केसिंग थी वो इंस्टॉल हो गई, उसको सीमेंट किया, ठीक है। फिर से नई डेप्थ अचीव हुई तो फिर से नया केसिंग डाला विथ हेल्प ऑफ दी केसिंग हेड और उसके ऊपर फिर से क्या हो गया, बीओपी आ गया, ये केसिंग हेड सेकंड वाला, उसके बाद फिर से केसिंग हेड थर्ड वाला और यहाँ पे बीओपी आ गया, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो केसिंग हेड है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो केसिंग हेड है उसका डाया बीओपी जितना ही हो, ठीक है, उसका डायामीटर जो बीओपी की आउटर बॉटम वाली प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैच करवाने के लिए क्या होगा, ये वाली दोनों की प्रोफाइल, इसकी अपर वाली और इसकी लोअर वाली प्रोफाइल सेम होनी चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो वहाँ पे हम एक असेंबली लगाते हैं, उस असेंबली को हम कहते हैं असेंबल एडप्टर, ठीक है, एडप्टर हेड कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में डायामीटर यानी कि जो एडप्ट आपका मोबाइल का एडप्टर होता है, ठीक है, आपको पता होगा, तो जो एडप्टर है वो हम एडप्टर हेड बोल देंगे, उसको सिंपली एडप्टर हेड या क्या बोलेंगे ऐसा कुछ लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये प्रोफाइल मैच हो जाए, ठीक है, दोनों प्रोफाइल मैच हो जाए, और अगर पहले से ही इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं है, बट जब भी, ठीक है, अभी तो बीओपी है, अब हमने पूरा का पूरा वेल क्या कर दिया, जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब मान लो आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो अभी वेल को शट इन करके रखा है, उसके बाद धीरे से बीओपी को रिमूव किया, यहाँ पे आ गया अपना क्रिसमस ट्री, क्या आ जाएगा, क्रिसमस ट्री आ जाएगा, ठीक है, वो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिसमस ट्री आ जाएगा, ये सारे हेड तो वैसे के वैसे ही है, तो क्रिसमस ट्री को क्या करना होगा हमें, ठीक है, क्रिसमस ट्री हमने जस्ट नहीं लगाएंगे, क्रिसमस ट्री से पहले हमें प्रोडक्शन लेना है, तो भाई ट्यूबिंग तो लगाना पड़ेगा, वो तो भूल ही गए भाई, ट्यूबिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसके लिए ट्यूबिंग हेड होगा सेम वे जैसा केसिंग हेड है, सेम टू सेम हमारा ट्यूबिंग हेड रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, जो भी हेड होगा वो ट्यूबिंग को सपोर्ट करेगा सेम टू सेम। तो ये फर्स्ट केसिंग हेड लोवेस्ट पार्ट, सेकंड केसिंग हेड, थर्ड केसिंग हेड, उसके ऊपर आ जाएगा ट्यूबिंग हेड, जैसा केसिंग हेड था वैसा ही ट्यूबिंग हेड, और उसके ऊपर आएगी एडप्टर हेड, उसके ऊपर क्या आएगा एडप्टर हेड, और एडप्टर हेड की वजह से क्या होगा, दोनों की प्रोफाइल सेम हो जाएगी, ट्यूबिंग हेड और क्रिसमस ट्री की प्रोफाइल सेम हो जाएगी, एंड यहाँ पे लग जाएगा क्रिसमस ट्री, ये है अपना क्रिसमस ट्री। तो ऐसे अब तक हमने क्या कर दिया, अभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट तो नहीं किया है, ठीक है, अभी तो वेल को एक्टिवेट नहीं करवाया है, अभी भी हाइड्रो तो ग्रेटर देन ही रखना है जब तक हमारा ये पूरा सेटअप सेट ना हो जाए। तो आज हमने क्या क्या देखा, देखो आज हमने देखा कि फर्स्ट थिंग कि केसिंग को कैसे सरफेस पे सेट करवाते हैं, तो हमने वेल हेड का
फंक्शन और उसका अरेंजमेंट देखा, उसके बाद उसमें ट्यूबिंग हेड का, अब हमें प्रोडक्शन लेना है तो ट्यूबिंग हेड, और उसके बाद क्या होता है क्रिसमस हेड किस तरह से वन बाय वन इंस्टॉल होता है और कैसे प्रोसेस होता है वो हमने देखा, ठीक है। इतना नॉलेज आपके लिए बहुत है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो केसिंग हैंगर थे, ठीक है, यहाँ पे जो ये लवेंडर कलर आपको दिख रहा है ये वाली फिगर में, आई होप आपको अच्छे से ये दिख रहा होगा, जो ये वाला कलर है, ये वाली जो असेंबली है, जो लवेंडर वाली असेंबली है जो आपकी वहाँ पे लगी है, ठीक है, वो आइदर देखो, वो आप उसमें दो अरेंजमेंट करवा सकते हो। किस किस तरह के दो अरेंजमेंट करवा सकते हो? फर्स्ट थिंग आप क्या करो, जब आप केसिंग हेड बना रहे हो, ठीक है, आप जब भी केसिंग हेड प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें इनबिल्ट डाल दो, ठीक है। आप क्या करो, उसमें उसको इनबिल्ट डाल दो, ठीक है। तो इनबिल्ट डालने का फायदा क्या हुआ, ये कैसा हो गया, माइल टाइप का हो गया। और आपको पता था जब भी मैंने माइल बिल्ट पटाया था तो आपको बोला था ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ होगा इसमें, ठीक है, कोई सीलिंग एलिमेंट और वो सब फिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। मटेरियल ही एक जैसा है, ठीक है, आपको ये ऐसे ही मिलेगा। मान लो ये इस तरह से अपना केसिंग हेड है तो इसके इनसाइड ही आपको क्या मिल जाएगा, ऑलरेडी सेटल्ड असेंबली मिलेगी। दैट मीन्स ये ऑलरेडी इनसाइड क्या हो चुका होगा, मटेरियल का गैप ही नहीं होगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा एक ही मटेरियल है वैसा आप मान के चलो। और इस तरह से इनसाइड क्या होगा, सेट होगा, ये मटेरियल का गैप ही नहीं आएगा, ठीक है। वो तो आप सोच सकते हो, ऑब्वियसली आप सोच सकते हो। ओके, आपने क्या किया कि मान लो आपको क्या था, आपके पास एक पाइप था, ठीक है, आपके पास एक पाइप का टुकड़ा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, बट इसके यहाँ पे थ्रेड नहीं है और आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है थ्रेड लगाने का, तो वो इनबिल्ट थ्रेड नहीं होगा। आपने एक जुगाड़ चलाया, उसमें आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा इससे छोटा डायामीटर का पाइप जो इसके यहाँ पे खाली फंस जाए, ठीक है, क्या हो, इसके यहाँ पे फंस जाए, जिसके इनसाइड क्या हो, थ्रेड हो, वैसा छोटा सा पाइप का टुकड़ा डाला और फिर दूसरा पाइप उसमें आपने ज्वाइन कर दिया। बट इस केस में चांसेस क्या है कि ये जो आपने अलग से डाला हुआ पाइप का टुकड़ा है जिस पे आपने थ्रेडिंग किया हुआ है, आपके पास ऐसा कोई ज्वाइंट अवेलेबल है जो आप वहाँ पे केवल वहाँ पे क्या करो, आप उसको खोचा सको या क्या बोलोगे, आप जस्ट उसको वहाँ पे इंसर्ट कर सको ताकि दूसरा पाइप उसके इनसाइड लग जाए, ठीक है, ठीक है। ऐसा जुगाड़ तो हम इंडियन बहुत करते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, दूसरा केसिंग हेड होगी जो हम इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, हम इंसर्ट करवाते हैं और इसको नॉर्मली मैंड्रल टाइप कहते हैं, सॉरी नॉट अ मैंड्रल टाइप, इसको आप स्लिप टाइप बोलते हो, स्लिप टाइप, और इसको आप मैंड्रल टाइप कहते हो, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, मैंड्रल का मीनिंग कुछ और होता है बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बोल दूँ। स्लिप यानी कि जो इंसर्टेड है, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने आपको जुगाड़ बताया, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आप अलग से इंसर्ट करवाओगे, ठीक है, ये इनबिल्ट मटेरियल नहीं होगा, फिगर कहाँ चली गई, ये इनबिल्ट नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले आप स्पूल को रखो, ठीक है, आप स्पूल को रखो, उसके बाद आप यहाँ पे सीलिंग अलाइनमेंट के साथ इस पर सील लगा के, ठीक है, आप जब भी दूसरा इसमें भेजो तो उसके आसपास आप सीलिंग लगा के क्या करो, इसके इनसाइड भेज दो ताकि वो अच्छा इसमें फिट हो जाए, ठीक है। बट इसमें क्या उतना अच्छा वो कंट्रोल मिलेगा, नहीं, जो इनबिल्ट है, ठीक है, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसकी ताकत मजबूत होगी, तो इसमें वेल कंट्रोल अच्छा होगा, ठीक है, इसमें वेल कंट्रोल अच्छा होगा। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपने स्पूल पहले से ही क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपने स्पूल पहले से ही बना दिया। अब मान के चलो कहीं पे भी पाइप अगर फंस जाती है, ठीक है, आपने इसमें से अगर केसिंग हैंग करवाया है ऐसे इनबिल्ट वाले से, तो मान लो कि पाइप स्टक हो गई आपने जब ड्रिलिंग किया तब, और आपको अब इसको रिट्राइव करना है, उस टाइम पे जो मान लो ये पाइप रिट्राइव नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये वाली पाइप रिट्राइव नहीं हो पाएगी, तो ये पूरा का पूरा हेड आपको जाने देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा केसिंग हेड आपको छोड़ देना पड़ेगा। और केसिंग हेड में क्या है, हैंगर भी तो इनसाइड बिल्ट हुआ है, इनसाइड ऑलरेडी आपने फिट ही किया है, वो तो वहाँ पे ड्रिल हो करोगे तो वो तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है, फिर वो कहीं पे काम नहीं आएगा, तो आप इसको रिट्राइव नहीं कर पाओगे, पता चला। जब अगर आपकी पाइप स्टक हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है और आपको वेल छोड़ना पड़ रहा है, उस टाइम पे आप उसको निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि पाइप अगर नहीं निकल रही है और आपको पूरा का पूरा असेंबली छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आप उतने हैंगर को रिमूव नहीं कर पाओगे कुछ भी तरह से, ठीक है, या फिर आपको पाइप को रिमूव कर रहे हो पर ये वाले
ये वाले केसिंग हेड को नहीं रिमूव कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो डिसएडवांटेज है। बट अगर उस टाइम पे आपने इंसर्ट लगाया होगा, ठीक है, इंसर्ट लगाया होगा, आपने अलग से उसमें डाला होगा, ठीक है, पहले इस तरह से केसिंग हेड था, सॉरी स्पूल था, उसके इनसाइड आपने हैंगर फिट कर दिया होगा, उसके इनसाइड आपने क्या किया, हैंगर फिट किया होगा, तो पाइप के साथ ही ये क्या हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल के आ जाएगा, तो रिट्रेवेबल इजीली है, ठीक है। फिर एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोफाइल फिक्स कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी जो हैंग आपने जो ऑलरेडी इनबिल्ट लगा दिया है उसके डायामीटर फिक्स कर रहे हो आप, ठीक है। अब केसिंग के डायामीटर नॉर्मली तो फिक्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, 7 इंच, 13 बाई 3 हाफ, ये फिक्स होते हैं नॉर्मली, 9 5 बाई 8 इंच, ओके, इस तरह के कुछ डायामीटर है, 20 और 30, ये नॉर्मल इतने होते हैं, ठीक है। बट तो उस केस में आपको फिक्स स्पूल मिलेगा, इन दिस सेंस कि आपने मान लो ये वाला स्पूल बाय किया तो आपको यही वाला केसिंग लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप हैंगर बाय करोगे, ठीक है, जैसा आपने मान लो 20 इंच का बाय किया तो आप हैंगर भी उस टाइप का 20 इंच के अनुरूप बाय कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने इनबिल्ट खरीद के रखा है तो आपके पास ये वाला पूल है जिसका हैंगर ये वाले डाया का है, तो फिर ये वाला डाया कैसे बनाओगे, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात थी अपने वेल हेड की, सिंपल सी चीज़ है भाई, ठीक है, इंसर्ट और माइल्ड में कोई सिंपल सा फर्क है, ठीक है, तो ये बात थी। तो देखो इतना गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो चल जाएगा, बट फिर भी आप इस पे सर्च करना चाहो, यू कैन डू, यू कैन रीड एज मच एज यू कैन, बट 15 मिनट का इंटरव्यू और गेट में तो बोलो इसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है कभी, और आई डोंट नो कि बनाएंगे भी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, उन्हें तो बहुत ही वो लॉजिकल टॉपिक ही पसंद आते हैं, बट इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब हमने वेल को अपना पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है, हमने ये वीडियो के अंत में क्या किया, वेल्ड को पूरा का पूरा सेट कर दिया है, या कि अब हम वेल्ड को एक्टिवेट करवा के क्या ले सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। हमने देख लिया कहाँ तक का कि हमने क्रिसमस ट्री इंस्टॉल करवा दी है, ठीक है, अब ये क्या होती है वो नहीं देखा है, बट हमने क्रिसमस ट्री को क्या करवा दिया है, इंस्टॉल करवा दिया है, ताकि अब हमारा वेल्ड क्या है, प्रोडक्शन लेने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। ट्यूबिंग, ठीक है, अब तक जो बोल रहे थे वो पाइप बोल रहे थे और आप बोल रहे हो अब ट्यूबिंग आ गई है, ट्यूबिंग है क्या, ठीक है, ट्यूबिंग कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ट्यूब और पाइप में क्या फ़र्क होता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी आपको समझ में आनी चाहिए। और ट्यूबिंग स्पूल और ट्यूबिंग हेड सिमिलर टू केसिंग ही होता है, नाम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो ट्यूबिंग को सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दी वेल इक्विपमेंट, फर्दर हम स्टार्ट करेंगे, अब हम बुक स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द 4th चैप्टर ऑफ द हैरियोटवेट Volume 1, विच इज़ द बड़ी वाली बुक, ओके, 4th चैप्टर से कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अब हम पूरा वो कंटिन्यूसली देखेंगे, बट अभी वेल सेट हो जाएगी, ठीक है, अभी वेल सेट हमने कर दिया है, सो लेट मूव फर्दर विद नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Oh, what?